नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा का काफिला उनके संसदीय क्षेत्र में पहुंच चुका है। जी हां, जमुई संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान का जो काफिला है आशीर्वाद यात्रा का, आज उन इलाकों में भ्रमण कर रहा है। आशीर्वाद यात्रा की जो के दौरान वो तमाम लोगों से मिल रहे हैं और शेखपुरा पहुँचा जब उनका काफिला, तो वहाँ उन्होंने जो सांसद प्रतिनिधि हैं चंदन यादव जिन जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की, उन्हें संवेदनाएं उनके प्रति व्यक्त की। और यहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद शेखपुरा में भी चांदनी चौक पर दल्लू चौक पर उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और उसके बाद उनका जो काफिला था सांसद प्रतिनिधि चंदन यादव के आवास पर पहुंचा, वहां उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की परिवार वालों के साथ। और उसके बाद जो जिस तरह से उनका काफिला आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अभी जमुई विधानसभा क्षेत्र का वो भ्रमण कर माफ कीजिएगा जमुई लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जो चिराग पासवान का अपना संसदीय क्षेत्र है। उस क्षेत्र में उनका जो आशीर्वाद यात्रा है उसे भरपूर जन समर्थन भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरह से चिराग पासवान को लोग जो है उनका स्वागत कर रहे हैं, क्या गर्मजोशी है उनके क्षेत्र में, उनके संसदीय क्षेत्र में। शेखपुरा में उनका काफिला है तो वो देखने को मिल रहा है। काफ़ी मेहनत की गई है आशीर्वाद यात्रा के पीछे, ये नज़र आ रहा है। और इस मौके पर चिराग पासवान ने बहुत सारी बातें कहीं, अपने विरोधियों पर वार किया और एक सवाल का दिलचस्प जवाब भी दिया। तो पहले उन्होंने क्या कुछ कहा इस मौके पर इस यात्रा के दौरान, वो पूरी बातें आप सुनिए। देखिए, सबसे पहले आवश्यकता पड़ी इसकी, आवश्यकता आप सब जान ही रहे कि जिस तरीके से परिवार और पार्टी में घटना घटी, उसके बाद से बिहार की ये 12 करोड़ जनता ही अब मेरा परिवार है। और इसीलिए यह आशीर्वाद इनसे लेने मैं निकला हूँ। बिहार के हर जिले से होती हुई ये यात्रा गुजर रही है और इस यात्रा का मकसद सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता से आशीर्वाद देना और आने वाले मध्यावर्ती चुनाव के लिए, मैं मान के चलता हूँ कि बिहार में मध्यावर्ती चुनाव होंगे, उस मध्यावर्ती चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करना, पार्टी के संगठन को मजबूत करना, उस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा आज मेरे संसदीय क्षेत्र जमुई लोकसभा के विभिन्न विधानसभा से होती हुई गुजरेगी। आज उसी क्रम में हम लोग जब यहाँ शेखपुरा में आए, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत बड़ी हानि, एक क्षति का ये समय है। मेरे मजबूत साथी और शेखपुरा विधानसभा के ही नहीं बल्कि शेखपुरा पूरे ज़िले की उनके पास जिम्मेदारी थी। चंदन जी, चंदन यादव जी, जिस तरीके से इतनी कम आयु में उनका दुखद निधन हुआ, हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस तरीके से वो एक्टिव थे, सक्रिय थे, अपना इतना ध्यान रखते थे, फिट थे, उनके साथ ऐसी कोई घटना घट जाए कि हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे लिए खैर ये एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति तो है ही, पार्टी के लिए हम लोग के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। आज यहाँ पर उनके परिवारजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं प्रकट करने आया हूँ, उनको अपनी श्रद्धांजलि देने आया हूँ। उनके सुपुत्र यहाँ मेरे साथ हैं, मैं समझ सकता हूँ कि परिवार में क्या घटता है। कुछ महीनों पहले मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी, तो जब पिता का साया सर से उठता है तो उस परिस्थिति को मैं समझ सकता हूँ। मुझसे जितना बन पड़ेगा, चंदन जी ने पूरा जीवन पार्टी के लिए और समाज की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया। आज उनकी गैरहाजिरी में हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि शेखपुरा ज़िले को जिस स्तर पर वो लेकर जाना चाहते थे, निरंतरता में यहाँ की जो समस्या है उसका जो हम लोग की जानकारी, उनके कम से कम इन सपनों को पूरा किया जाए इस आशीर्वाद यात्रा के दौरान, ये भी एक लक्ष्य में से रहे। सर, एक जो पार्टी के अंदर जो परिस्थितियाँ बनी है वो जदयू ज़्यादा जिम्मेवार है बीजेपी? मेरा परिवार, मैं किसी दूसरे पे क्या उंगली उठाऊं? मैं आज की तारीख में उस हैसियत में नहीं हूं कि मैं किसी तीसरे पे उंगली उठाऊं कि भाई जदयू ने ऐसा क्यों किया, भाजपा ने ऐसा क्यों किया। अगर मेरे अपने अगर मेरे साथ होते, मेरे चाचा मेरे भाई अगर मेरे साथ होते, तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि मेरे परिवार या मेरी पार्टी को तोड़ पाता। खासकर प्रधानमंत्री साहब का रिश्ता बढ़िया था, लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ फिर देखिए कुछ राजनीतिक मजबूरियाँ होती हैं। बहरहाल आज की तारीख में ईमानदारी से मैं बोलूँगा, मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है इस तरफ। मेरा ध्यान, जैसा मैंने कहा, मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में मेरी ये आशीर्वाद यात्रा है और इसके माध्यम से संगठन को मजबूत करना और आगामी चुनाव की तैयारी करना। सर, आरजेडी के साथ आपका तेजस्वी के पक्ष में आपका बयान है, क्या लग रहा है?
किसी के पक्ष विपक्ष में मेरा बयान नहीं आया, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ यह आशीर्वाद यात्रा है और इसके माध्यम से संगठन को मजबूत करना और मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जो अंतिम इच्छा थी, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो संकल्प मुझे देकर गए हैं, उस संकल्प को कैसे धरातल पर उतारा जाए, पूरा किया जाए, सिर्फ वो मेरी प्राथमिकता है। गठबंधन का स्वरूप क्या होगा नहीं होगा, ये हमेशा ये एक जनरल प्रैक्टिस रही है, चुनाव के आसपास इसकी चर्चा होती है, चुनाव के आसपास क्या स्वरूप रहेगा वो आपको जरूर बताएंगे। क्योंकि बहुत बयान आ रहे हैं तेजस्वी बारे में, मंत्री सुमित सिंह की टिप्पणी पर क्या कहना चाहेंगे? किन के ऊपर? सुमित सिंह की टिप्पणी पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है उनके बारे में? तो सुन लिया आपने कि चिराग पासवान ने कहा, जब उनसे पूछा गया ये सवाल कि आपको किसने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया, बीजेपी ने या जेडीयू ने, किसकी भूमिका है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी ने नहीं बल्कि मेरे परिवार ने ही मुझे ज़्यादा बर्बाद किया है। इस तरह की बात वो करते दिखे, कुछ सेंटिमेंटल भी हो गए इसको लेकर, वो परिवार के प्रति भावुक भी हो गए, जिस तरह से चंदन यादव के परिवार से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि किसी की क्षति, किसी परिवार के मुखिया के जाने की क्षति या फिर पिता के जाने की जो क्षति होती है उसे मैं महसूस कर रहा हूं और चंदन यादव के परिवार वाले भी वो महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से कहते हुए चिराग पासवान का जो काफिला है आज जमुई के विभिन्न इलाकों में घूम रहा है और उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। चिराग पासवान भी कहा, उन्होंने भी कहा कि अब जो है उनका परिवार का जो साथ छूट गया है तो अब बिहार की जनता ही उनका परिवार है और बिहार की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता ही रहेगा। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व DGP के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव YouTube चैनल पर।